स्क्वाड से इतने साल बाहर था, अब क्या ही कर लूंगा। नहीं पापा, यू आर इन डेंजर। तो दोस्तों, फाइनली श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 ने इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन क्रॉस कर दिया और बहुत ही जल्द ये फिल्म गदर 2 और जवान को भी पीछे छोड़ देगी। वही दोस्तों, दूसरी तरफ थलापति विजय सर की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिस फिल्म को रिलीज होने में अभी भी एक दिन का समय बाकी है, लेकिन इस फिल्म ने रिलीज होने के एक दिन पहले ही 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर ली। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्त्री 2 के 21 दिनों के कलेक्शन के बारे में, वही थलापति विजय की द गोट के वर्ल्डवाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो नेचुरल स्टार नानी की फिल्म सरीपोड़ा शनिवारम के 7 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें नेचुरल स्टार नानी की एक्शन पैक्ड फिल्म सरीपोड़ा शनिवारम यानी कि सूर्या सैटरडे के बारे में, जिस फिल्म में नानी के साथ में हमें एसजे सूर्या देखने को मिले थे और इस फिल्म को तेलुगु, तमिल, हिंदी और भी कई सारी भाषाओं में रिलीज किया था। अब दोस्तों, ये फिल्म रिलीज हुई थी गुरुवार, जिसके चलते इस फिल्म का फर्स्ट वीक यानी कि 7 दिन आज पूरे हो चुके और फिल्म ने शुरुआती 7 दिनों में दुनिया भर में शानदार कमाई कर ली है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि फिल्म का बजट था 90 करोड़ रुपए और फिल्म का जो 7 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लगभग इस फिल्म के बजट के आसपास का आ चुका और इस यानी कि दूसरे हफ्ते भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक तगड़ी कमाई करने को तैयार है, क्योंकि दोस्तों यहां पर फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और फिल्म के पब्लिक की तरफ से जो रिव्यूज मिले थे वो काफी बढ़िया थे, जिसके चलते ही दोस्तों फिल्म ने पहले हफ्ते में तो तगड़ी कमाई की है, साथ ही साथ ये फिल्म दूसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर एक बढ़िया कलेक्शन करने वाली है। लेकिन इस वक्त अगर बात कर ली जाए सूर्या सैटरडे के 7 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि रिलीज होते ही इस फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 24 करोड़ 11 लाख रुपए का किया था। वही दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में एक ड्रॉप आ चुका था और फिल्म ने सेकंड डे दुनिया भर में सिर्फ 11 करोड़ 92 लाख रुपए की कमाई की। लेकिन दोस्तों, तीसरे दिन था शनिवार, जिसके चलते फिल्म के कलेक्शन फिर से एक बार ऊपर आए और फिल्म ने तीसरे दिन 16 करोड़ 15 लाख रुपए की कमाई की। वही दोस्तों, फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी कि संडे भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रफ्तार बनाए रखी और फिल्म का चौथे दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 16 करोड़ 34 लाख रुपए का आया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मंडे आया, वर्किंग डे शुरू हो गए, उसके बाद इस फिल्म के कलेक्शन फिर से ड्रॉप हो गए और फिल्म ने अपने 5वें दिन दुनिया भर में सिर्फ 6 करोड़ 74 लाख रुपए की कमाई की। वही दोस्तों, फिल्म ने अपने 6ठे दिन लगभग 5 करोड़ 22 लाख रुपए कमाए। हालांकि बात करें इस फिल्म के आज यानी कि 7वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी मिली है वो कल के मुकाबले और भी ज्यादा डाउन हो चुकी है। तो ये फिल्म अपने 7वें दिन दुनिया भर में लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों, सूर्या सैटरडे का शुरुआती 7 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 84 करोड़ 98 लाख रुपए का। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, फिल्म का बजट है 90 करोड़ रुपए और फिल्म 7 दिनों में दुनिया भर के अंदर 84 करोड़ 98 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है और अब दूसरे हफ्ते में अगर फिल्म तगड़ी कमाई करेगी तो यह मूवी आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट का टैग आसानी से ले जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज होने जा रही इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बारे में, जी हां दोस्तों, वेंकट प्रभु के डायरेक्शन में बनी एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म द गोट, जिस फिल्म में थलापति विजय और प्रभुदेवा हमें देखने को मिलेंगे। अब बता दो दोस्तों, यह फिल्म रिलीज होने वाली है कल यानी कि 5 सितंबर को और फिल्म को रिलीज होने में कुछ ही घंटों का समय बाकी है। ऐसे में फिल्म ने ऑलरेडी एडवांस बुकिंग से जितनी कमाई की है इतना कलेक्शन तो बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपर स्टार्स की फिल्में पहले दिन भी नहीं कर पाती। जी हाँ दोस्तों, एक बात क्लियर है कि यहाँ पर थलापति विजय सर का स्टारडम इतना ज़्यादा खतरनाक बन चुका है कि उनकी फिल्म जब भी रिलीज हो उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती है। मतलब कि आप खुद सोचिए कि कल है 5 सितंबर, ना कोई होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये फिल्म वर्किंग डेज पर बॉक्स ऑफिस पर इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग लेने जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त अगर बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड
वर्ल्डवाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं इस फिल्म के फर्स्ट डे वर्ल्डवाइड कलेक्शन, उसके बाद बात करेंगे वीकेंड एडवांस बुकिंग की। तो दोस्तों द गॉड फिल्म ने फर्स्ट डे की जो कर्नाटका से बुकिंग की है वो 7,22,00,000 रुपए की हो चुकी है। वही फिल्म का जो मेन मार्केट है तमिलनाडु, वहां से फिल्म के फर्स्ट डे की बुकिंग 16,98,00,000 रुपए की हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों फिल्म ने तेलुगु स्टेट, केरला और साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया यानी कि रेस्ट ऑफ इंडिया से टोटल एडवांस बुकिंग कमाई 8,33,00,000 रुपए की कर ली है। यानी कि दोस्तों अगर टोटल जोड़ा जाए तो यहां पर द गॉड फिल्म का जो ऑल इंडिया एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो 32,13,00,000 रुपए का हो चुका है। अब बात करें ओवरसीज मार्केट की, तो दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से एडवांस बुकिंग में 28,92,00,000 रुपए कमा लिए हैं। इसी के साथ दोस्तों द गॉड फिल्म का जो फर्स्ट डे वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एडवांस बुकिंग में वो 61,05,00,000 रुपए का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, फिल्म की जो फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग कमाई है वो 61,00,00,000 रुपए से भी ज्यादा की हो चुकी है। वही दोस्तों अब अगर बात करें फिल्म के वीकेंड एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि फिल्म रिलीज हो रही है गुरुवार यानी कि 5 सितंबर को, जिसके चलते फिल्म का जो वीकेंड है वो 4 दिनों का रहेगा यानी कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और अगर बात करें इन 4 दिनों के टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो यहां पर दोस्तों द गॉड फिल्म का जो ऑल इंडिया वीकेंड एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो 58,36,00,000 रुपए का हो चुका है। वही वीकेंड की जो ओवरसीज एडवांस बुकिंग है वो 47,02,00,000 रुपए की हो चुकी है। यानी कि दोस्तों वीकेंड का जो इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो 105,38,00,000 रुपए का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, द गॉड फिल्म का वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन शुरुआती 4 दिनों का 105,00,00,000 रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है। तो दोस्तों फिल्म कल रिलीज होने जा रही है, देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई पहले दिन करती और इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन आखिर 500-600 करोड़ पे जाएगा या फिर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ कमाएगी। वही दोस्तों अब अगर बात की जाए इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री 2 के बारे में, तो दोस्तों अमर कौशिक का डायरेक्शन में बनी हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2, जिस फिल्म में हमें श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी देखने को मिले थे, सिर्फ 80 करोड़ के बजट में बनी स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर सबकी गलत फहमी दूर कर दी और फिल्म के कलेक्शन देखकर बॉलीवुड वालों को एक बात तो समझ में आ चुकी है कि भैया आपकी फिल्म में भले ही कोई बड़ा सुपरस्टार हो ना हो, लेकिन अगर फिल्म आपकी सीक्वल है और फिल्म आपकी एंटरटेनिंग है तो फिर वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों के भी लाइफ टाइम कलेक्शन क्रॉस कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्त्री 2 जिस फिल्म का बजट तो काफी कम था, लेकिन कमाई के मामले में इस फिल्म ने 300 और 400 करोड़ के बजट में बनी फिल्मों के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। और अभी तो दोस्तों फिल्म को सिनेमाघरों में सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं, ये मूवी 4th हफ्ते में भी इतनी बढ़िया कमाई करने वाली है कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जब से स्त्री फिल्म रिलीज हुई है उसके साथ में 2 फिल्में आई थी, पर उसके अगले हफ्ते से बॉलीवुड की कोई भी दमदार फिल्म रिलीज नहीं हुई, जिसके चलते स्त्री 2 का दबदबा लगातार 3 हफ्तों से बना हुआ था और इस हफ्ते भी बॉलीवुड की कोई नई फिल्म रिलीज नहीं होगी तो ये फिल्म 4th हफ्ते में भी धमाकेदार कमाई करेगी। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए स्त्री 2 के अब तक के यानी कि 21 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि स्त्री 2 ने जहां सिर्फ 19 दिनों में ही इंडिया नेट कलेक्शन 509,40,00,000 रुपए का कर लिया था, वही फिल्म ने अपने 20वें दिन 6,45,00,000 रुपए की कमाई की। बात करें इस फिल्म के आज यानी कि 21वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म को आज कल के मुकाबले ऑक्यूपेंसी में एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला और ये फिल्म अपने 21वें दिन 5,80,00,000 रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों स्त्री 2 का शुरुआती 21 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 521,65,00,000 रुपए का हो चुका और ये फिल्म हिंदुस्तानी सिनेमा के हिंदी मार्केट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 4th फिल्म बन चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर स्त्री 2 ने जो बाहुबली 2 का हिंदी नेट कलेक्शन था लाइफ टाइम वो था 511 करोड़ रुपए, उसे तो क्रॉस कर दिया और बहुत ही जल्द ये फिल्म पठान जिसका लाइफ टाइम कलेक्शन 525 करोड़ इंडिया नेट है, वही गदर 2 जिसका इंडिया नेट 526 करोड़ रुपए है उसे भी क्रॉस कर देगी। लेकिन देखना यह है कि क्या यहां पर स्त्री 2 जवान जिसका इंडिया नेट कलेक्शन 582 करोड़ रुपए है उसे क्रॉस कर पाती है या नहीं। हालांकि मुझे लग रहा है कि यह फिल्म शायद जवान का इंडिया नेट कलेक्शन भी लाइफ टाइम में क्रॉस कर देगी। पर हालांकि यहां पर बात करें इस फिल्म के
है वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन के बारे में। दोस्तों जहां स्त्री 2 ने शुरुआती 21 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 521.65 करोड़ रुपए का किया है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 615.54 करोड़ रुपए का हुआ है। वही दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 123 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। इसी के साथ दोस्तों स्त्री 2 का शुरुआती 21 दिनों में वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 738.62 करोड़ रुपए का। जी हां दोस्तों, फिल्म दुनिया भर में 738 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है। और अब दोस्तों 2 दिन बाद फिर से फिल्म को वीकेंड का फायदा मिलेगा और यह फिल्म आने वाले 3 दिनों में और बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई करेगी। यानी कि दोस्तों सब कुछ सही रहा तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिनों के अंदर इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 800 करोड़ के आंकड़े को टच कर देगा। लेकिन दोस्तों देखना यह है कि 800 करोड़ का आंकड़ा टच करने के बाद इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन आखिर कहां पे जाके रुकता है। क्या यह फिल्म 850 करोड़ पे रुकेगी, 900 करोड़ पे या फिर 1000 करोड़ रुपए पे? आपको क्या लगता है स्त्री 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।